बिन माँ की बहू। साक्षी के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता आलोकनाथ अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 साल की उम्र से ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। बेटी से बढ़कर एक बेटी की तरह वो अपने पिता को कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती रहती है। साक्षी, मेरे होते हुए तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हर शौक पूरे करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। और आपकी शौक का क्या पापा, आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना, मुझे वही सब पूरे करने हैं। मेरे शौक का क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शौक तो तेरी माँ के साथ ही कब के मर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के को देखकर तेरी शादी करा दूं। क्या पापा, आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, एक ना एक दिन हर लड़के को जाना ही पड़ता है, तुझे भी जाना तो होगा ही। अपने पिता की बातों से निराश होकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। पिता से दूर होने के ख्याल से ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद, आलोकनाथ जी, हमारी नजर में एक लड़का है, उसके पास बंगला कार सब कुछ है, सुना है करोड़पति लोग है वो, आप कहे तो आपकी बेटी के लिए बात करूं। अरे लेकिन हमारे इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं है। उन सबकी चिंता मत कीजिए, उन लोगों को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार के लिए गुणी और संस्कारों से परिपूर्ण बहू चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के बारे में बात कीजिए, मेरी बेटी में वो सभी गुण है जो वो अपने परिवार की बहू के लिए चाहते हैं। इस तरह वो साक्षी का रिश्ता लेकर अर्जुन नाम की लड़की के परिवार के पास जाता है। साक्षी की फोटो देखकर लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले साक्षी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आलोकनाथ जी, हमें तो आपकी लड़की फोटो में ही पसंद आ गई, और फिर भाई साहब ने आपकी लड़की की तारीफ भी बहुत की है, अब तो बस आप हमें उससे मिलवा ही दीजिए। साक्षी बिटिया, बाहर आना तो। साक्षी। अपने पिता की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत बाहर आ जाती है और एक एक करके सभी के पैर छूती है। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत गुणवान और संस्कारी लगती है। बिटिया, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा मेरे और कोई शौक नहीं है। आपने अपनी लड़की को सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब, इसे अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह सबकी राजी खुशी से अर्जुन और साक्षी की शादी भी हो जाती है। साक्षी की सास उसे एक माँ का भरपूर प्यार देती है और कभी उसे मायके की कमी महसूस नहीं होने देती। साक्षी बेटा, तू आराम कर, सुबह से घर के काम पर लगी है, थक गई होगी अब बिटिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना अपने रूम में जाकर आराम कर, अरे काम की टेंशन मत ले। अपनी सास की जिद के आगे हार मानकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। साक्षी, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई फाइल नहीं देखी। साक्षी, तुमसे मेरी एक फाइल तक नहीं संभाली जाती, हजार बार बोला है तुमसे कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, मेरी सुनती कहां हो तुम, माँ ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। अर्जुन के इतना कहते ही साक्षी रोने लगती है। साक्षी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पर आ जाती है। साक्षी बेटा, क्यों रो रही है, इस नालायक ने कुछ किया है क्या? साक्षी अपनी सास मीना को सारी बात बताती है। क्यों गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं और बहू को ताने देता है। माँ, आप तो रहने ही दो, आपको हर समय अपनी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इन्हें, ये हर समय मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार अर्जुन, जो आज के बाद तूने मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। बहू, अगर दोबारा ये तुम्हें ऐसा कुछ कहे तो तुम मुझे आकर फौरन बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बेटा, माँ आप सच में बहुत अच्छी हो,
मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं, तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, और मेरे होते हुए अब तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। एक दिन साक्षी, अब मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो, अब मुझे ना चिढ़ होने लगी है तुमसे। अर्जुन, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी पैरवी करने मत आया कीजिए। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा, आपको पता है इस साक्षी की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, ऑफिस का पूरा डेटा इसी में था, और देखिए ना, इसने उसमें चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई, मैं तो इन्हें दे रही थी चाय, लेकिन इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तब इसमें भी मेरी ही गलती है। वाह साक्षी वाह। अर्जुन, तू बहू पर इतना क्यों भड़क रहा है? अब जो हो गया सो हो गया, सुन लेना ऑफिस में थोड़ी सी डांट, अब अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू। मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा, मेहरबानी करके अब मेरे सामान से दूर रहना। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर, अरे वो तो पागल है। मीना के इतना कहते ही साक्षी उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सास के रूप में मेरी माँ लौटा दी है। बेटा, जीवन में ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। चल अब अपने आंसू पोछ और मेरे साथ काम में हाथ बटा। इतना बोलते ही मीना रसोई की तरफ चल देती है। साक्षी भी अपनी सास के पीछे चल देती है और सभी बातों को भूलते हुए खुशी खुशी काम पर लग जाती है। मन ही मन साक्षी अपनी सास को हर जन्म में अपनी माँ के रूप में मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीना हर समय ढाल बनकर अपनी बहू के लिए खड़ी रहती। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना तूने अपने बेटे के लिए यह कैसी बहू चुनी है जिसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षिणी है। ऐसो के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और तूने उस घर से लड़की चुन ली? ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तूने उस बिन माँ की बहू को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है, अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम लोग क्या बोल रही हो, मेरी बहू बाकी बहू जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुझे समझाना, बहू को कभी भी बेटे से बढ़कर प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती, और यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बड़ी है, न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से समझती हूँ, तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हम तेरी सहेलियाँ हैं, तुझे भड़का कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो सिर्फ तुझे आगाह करने का था, बाकी मानना न मानना तेरी मर्जी। चल मीना, अब हम लोग चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मीना घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी साक्षी के लिए हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहां पर साक्षी भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। कहाँ ना जा यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपनी सास का बदला सा व्यवहार देख साक्षी तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन, बहू, आ बहू, कहाँ चली गई? साक्षी! जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर, वैसे तो सारा दिन घर में नाचती रहती है। मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए साक्षी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। शाम में, साक्षी ऑफिस में मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ।
साक्षी अर्जुन के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है तभी उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं, जिस पर वो भागते हुए उनके पास जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूम में आती है तो वो देखती है कि अर्जुन के कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर अभय और मीना भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखिए ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी जो मैं कल मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा उसे मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए वो शायद जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन इस बार तू सही है और बहू गलत, आखिर वो इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है कि अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट ढूंढ कर ले आओ, जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू, और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होंगी। अगर दुकानें बंद हो भी गई होंगी तो उसे खुलवाकर मेरे बेटे के लिए शर्ट लेकर आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पापा ठीक कह रहे हैं। इस समय कहाँ जाएगी ये, मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब गलती इसने की है तो सुधारना भी इसे ही पड़ेगा, जाकर शर्ट लेकर आओ। मीना की बातें सुनकर साक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों पर जाकर कपड़े ढूंढती रहती है। थक हार कर करीब 12 बजे साक्षी कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अर्जुन की ऑफिस के मीटिंग के लिए तुम्हें हूबहू वैसे ही कपड़े मिले या नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी। साक्षी अपनी सास को कपड़े देकर जा ही रही थी कि मीना उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज से लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती ही हैं माँ, मैं बिन माँ की पली बड़ी हूँ। माँ के ना होने के कारण मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ हैं। इतना कहकर साक्षी माँ से चली जाती है। साक्षी की बातों को सुनकर मीना को भी अपने कहे और अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वो बिना खाए पिए ही सो जाती है। अगले दिन, माँ जी कल का सारा खाना तो ऐसे ही पड़ा है, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मुझे भूख नहीं थी कल। साक्षी अपनी सास के दर्द को समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है, चलिए माँ जी मैंने आपके लिए आपके फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए सुबह उठते ही मैंने पहले आपके लिए खाना बनाया है। खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना, चल जाकर पहले तू खा ले। माँ जी क्या हम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते प्लीज, बहुत दिन हो गए हैं। साक्षी के इस तरह बोलने से मीना का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। साक्षी मीना के लिए खाना लगाती है जिसका पहला निवाला मीना अपनी बहू को खिलाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने अपने दिल में तेरे लिए नफरत पाल ली थी, लेकिन कल जब तुझे रोते बिलखते देखा तो मेरी ममता फिर से लौट आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। किसने कहा आपसे कि आप अच्छी सास नहीं है? आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, और सच कहूं उससे भी बढ़कर बेस्ट 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 मेरी माँ हो आप। इतना कहकर साक्षी अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों पहले की ही तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।